Hyderabad International School, CBSE Plus Exceed syllabus, which is followed in eight countries, Modern Plus Islamic Education, five-step activity-based and playway method. La असल नाजरीन आप सबका खैर मकदम है एटीन तेलंगाना न्यूज़ पर आज चौबीस अगस्त ट्यूजडे का दिन है आई नाजरीन देखते हैं इंटरनेशनल और नेशनल के खास खबरें हरम शरीफ में काबा को जमज़म और रोज वाटर से साफ किया गया और धोया गया दो जिम्मेदारान किंग सलमान और प्रिंस खालिद अल फैसल की जेर निगरानी में काबा को जमजम और रोज वाटर के पानी से धोया गया प्रिंस खालिद काबा की दीवार को कपड़े से पोचते हुए नजर आए इस दौरान तमाम एहतियात किए गए कोविड नाइन्टीन वबा से बचने कोविड की तीसरी लहर के से वार्निंग नीति आयोग ने चेतावनी दी के रोजाना अब इस महीने चार से पाँच लाख केसेस दर्ज किए जाएंगे कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव के वीके पावल जो कोविड नाइन्टीन टास्क फोर्स के हेड है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए उन्होंने चेतावनी दी की सितंबर में इंडिया में रोजाना चार से पाँच लाख रोज नए कोविड नाइन्टीन केसेस दर्ज होने का अंदेशा है नीति आयोग का अंदाज़ा बिल्कुल सही होता है और नीति आयोग सितंबर 2020 से कोविड नाइन्टीन की दूसरी लहर से ही कोविड नाइन्टीन केसेस पर नज़र रखे हैं इंडिया भर में पिछले 24 घंटों में पच्चीस नए कोविड 19 केसेस दर्ज किए गए और पिछले 24 घंटों में तीन कोविड 19 मुतासरीन की मौत वाकई हुई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने यह ऐलान किया ये दूसरा दिन है इंडिया का जहां कोविड 19 केसेस पच्चीस तक ही दर्ज हुए हैं ट्विटर ने नफ़रत भरी बात करने वाले यति सिंह आनंद का अकाउंट सस्पेंड कर दिया जी हां नाजरीन मशहूर व मरूफ यति सिंह आनंद सरस्वती जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं और नफ़रत भरी बयान देकर सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं उन्हीं का अकाउंट आज ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया 24 अगस्त 2021 आज ऐतिहासिक दिन है इंडियन क्रिकेट में आज 50वीं सालगिरह है इंडिया के ऐतिहासिक जीत की इंग्लैंड से टेस्ट मैच में जो दी ओवल में हुआ था इस जीत ने इंडिया को पहला इनाम दिया था इंग्लैंड के खिलाफ जीत कर इंग्लैंड में ही 1971 में ओमान गवर्नमेंट ने मंडे के दिन तमाम इंडिया से सफ़र करने के ऑर्डर्स को हटा दिए यानी अब इंडिया के शहरी ओमान के लिए सफ़र कर सकते हैं ओमान गवर्नमेंट ने साथ ही बीस देशों से भी ट्रैवल बैन हटा दिया कोरोना वायरस फैलाव को मद्देनजर रखते हुए ये फैसले लिए गए थे ब्रेकिंग न्यूज़ नाजीन 5.1 का तेज़ जलजला महसूस किया गया चेन्नई आंध्र प्रदेश में बताया जा रहा है कि साउथ रीजन में अभी तक का सबसे तेज़ और ताकतवर जलजला आज का जलजला रहा है पब्लिक इंटरेस्ट लेटिगेशन पीआईएल दर्ज किया गया दिल्ली हाई कोर्ट में जहां यूनियन ऑफ इंडिया से दरख्वास्त की गई कि कोविड नाइन्टीन से मुतासर लोग जो एब्रॉड में उनकी मौत वाक़ हो गई एक्सग्रेशिया जो परिवारों को मिलने वाला है उस एक्सग्रेशिया की कीमत में इजाफा करें